बात अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है। हर साल तो प्रधानमंत्री को पूजा में आते थे, पर ये अच्छा है कि इस बार हम लोग को कलश यात्रा भी देखने को मिल गया और 108 कलश आ रहा है यहाँ पर, सब कोई लेके जा रहे हैं। तो मैं जैसे ही बाजा का आवाज़ सुनी ना, मेरा अचानक से नींद टूट गया और मम्मी को पूछी तो मम्मी बोली इस तरह से कलश आ रहा है। और मेरी मम्मी जो है ना, सुबह का 5 बजे उठकर नहा धोवा के पूरा दिया वगैरह लेके रेडी हो गई थी। तो बस उसके बाद वो लोग निकल गए, मेरी मम्मी यहाँ पर आ गई है चाय बनाने के लिए, क्योंकि वो लोग चाय भी नहीं पिए थे। तो बस बुआ, मैं, भाई और माँ यहाँ पर बैठ कर चाय पियेंगे। पापा चल गए फूल लाने, मतलब हम लोग का जो बगान है वहाँ से फूल तोड़ के पापा लाते हैं। फिर मम्मी यहाँ पर घर का पूजा करेगी और अष्टमी है, मम्मी का आज फास्टिंग है, क्योंकि मम्मी का पूजा हम लोग का घर के हिसाब से वही आज अष्टमी पड़ता है ना, तो इसीलिए वो दिन भर अभी फास्टिंग में रहेगी। रात को फिर पूजा होगा, फिर उसके बाद ही मम्मी कुछ खाएगी, जैसे पराठा पूड़ी हो गया इस तरह से। दीदू भी लेगी, दीदू को जो चाहिए वो दीदू लेगी, ब्लू वाला लेगी दीदू। बाबा ना उठे देना, ये हांडी रखी खुली चाट रखी है। ठीक है ठीक है, थोड़े नहीं हो देगी ना, मु खाई देबी। नहीं नहीं मत खाई, थोड़ा खाई दे, तुम थोड़े नहीं हो। नहीं ना, थोड़ा थोड़ा इधर से एकदम फेक ना टिरोल, किंतु एकदम पूरा ना टिरोल होते फेक ना टिरोल, फेक ना टिरोल नहीं। अरे गुड़ को लगा बनाना पिस्ता जैसे खाए ओरिजिनल, ये वाला मेरा, हाँ ये वाला दीदू का है। हम लोग जा रहे हैं पापा, भाई और आद्या में, हम चार जा रहे हैं बहरा गोरा, और हम लोग को कुछ घर का भी पापा को लाना था सामान, और मेरा अपना भी कुछ सामान है लेके आना है। और क्या है कि कल है घर पर सब कोई आएंगे, तो इसीलिए पापा सब कुछ मार्केटिंग करेंगे। और मेरी बड़ी बेटी नहीं जा रही है, वो वहाँ पर टीच के साथ खेलेगी, मेरे सारे कजन्स हैं वहाँ पे। हाँ बड़े पापा के वहाँ, और दीदी भी आ रही है, बस वो कुछ टाइम बाद पहुँच जाएगी। और आज सीत का बर्थडे है। गुड बाय 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 गुडू गुडू बाय बाय। तो ये देखिए हम लोग का गांव का पंडाल छोटा सा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर 108 कलश बैठ चुका है। अभी आके हम लोग बड़ावड़ा पहुँच चुके हैं, पापा उतर गए सब्जी मार्केट में और हम लोग थोड़ा मार्केट में काम है वहाँ जाएंगे। और आज दीदी आ रही है जैसे भाई, तो उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि अपना यहाँ का काम निपटा कर चले जाएंगे, पर पापा को सब्जी मार्केट में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इतना सारा सब्जी लेके जाएंगे आज। और हम लोग दोपहर को ही आ गए क्योंकि पापा बोले जैसे शाम होता जाएगा ना सब्जी जो है वो पूरा चुना चुना रह जाएगा, इसीलिए अभी आ गए हैं दोपहर को, है ना। हिम्मत खोलो, और गाड़ी में बैठते साथ ही बोले मम्मा, तो इसीलिए मैं डर से ये सब टिश्यू एक रुमाल एक सब पकड़ के बैठी हूँ। उतरो ओजा, आ गए। कहाँ बैठेंगे ओजा, कहाँ बैठेंगे? यहाँ हाँ। आगे बैठेंगे ओजा, आप इधर आओ। ओजा का सब्जी मार्केटिंग हो गया, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे सीत, हैप्पी बर्थडे। मेरी दीदी पतली हो गई है ना, हो गई है। बढ़ो, अभी हम लोग लंच करेंगे। आज पूरा सादा सादा है क्योंकि आज है फर्स्ट डे। यहाँ पर सारा सब्जी आ गया है, शाम हो गई है, तो दीदी के साथ यहाँ पर बैठकर हम लोग चाय पी रहे हैं। गुड इवनिंग, अभी शाम का टाइम है। देखिए बच्चों को मैं बोली कि आप लोग जल्दी जल्दी बैलून वगैरह रेडी करो, ताकि देखिए मेरी दीदी को बोले ये तुम ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मुझे तैयार होने दो, पर मैं उसको होने नहीं दी। देखिए सीध का बर्थडे है और आद्या भी कितना ज्यादा एक्साइटेड है। हाँ फैन बंद करें, ठीक। नानी जाने नहीं बैलून फूले, साइड रू फूलो नू। ता नोना सब गुणों का नहीं। घर का हालत बहुत खराब है, ऐसा हो सकता है अभी। मतलब घर में हो सकता है बड़ा सड़क सेलिब्रेशन ना हो, पर ये सब छोटा छोटा चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मतलब सेलिब्रेशन से पहले जो तमाशा होता है,
अभी चल रहा है ये लोग का नूडल्स पार्टी ना, सीध का बर्थडे स्पेशल। मामू लेके आए हैं नूडल्स। तू को नहीं, हैप्पी बर्थडे सीध ना मुहरे कह सब बेलून गई एडे साड़े गला से नबनी ना से नबनी आमे तो पूरा मेकअप रे छी ना, आमे तो पूरा हमर पूरा मेकअप रे छी ना। बहुत कुछ पार्टी जैसा अरेंजमेंट ना सही, पर हाँ जैसा हल्का फुल्का भी हुआ है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग सब साथ में मिलकर किए थे और मेरा डेकोरेशन तो कुछ रहा नहीं। हम लोग बहुत सारा बैलून फुलाए थे और इधर उधर फैल गया क्योंकि फैन ऑन था यहाँ पर और बच्चे भी थोड़ा लेके भाग रहे थे और सजाने का जगह भी नहीं था। तो जो भी है सीध का बर्थडे हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए और उसका गिफ्ट देना अभी बाकी है। वो उस रूम में जाएगा फिर हम लोग गिफ्ट देंगे और देखते हैं वो कितना खुश होता है उसका गिफ्ट पाके। बहुत भल पाई से हैप्पी बर्थडे को मन निजे बंदूक चला रहे हैं। क्या करोगे, क्या करोगे आप? डिनर शुरू हो गया आज सीध बर्थडे स्पेशल थर्सडे का। ये देखिए रोटी घर का बना हुआ और बाहर से आया है, ये है मिक्स वेज तड़का। हाँ बेटा रुको रुको, और केक है और मीठा फिर को दो। बच्चा तो कम था, आप दोनों मिलके इतना ज्यादा दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं ना, हम लोग डरे हुए हैं। चलो पीछे पीछे एक ये लोग का कोई गार्ड चाहिए ही चाहिए, खेल रहे हैं पर हम लोग को डर लग रहा है। जो भी वीडियो देखेंगे यहाँ बैठो। तो अब आज तो अष्टमी का पूजा है तो माँ गई है मंदिर, तो इसलिए हम लोग डिसाइड किया कि माँ आने से पहले हम लोग खा लेते हैं ताकि थोड़ा सा चैन से बैठ पाएँ क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और इतना दौड़ रहे हैं पूरा थक भी गए होंगे। तो चलिए खाते हैं और खिलाते हैं उसके बाद देखते हैं कितना देर में लोग सोते हैं, उसके बाद हम लोग भी थोड़ा काम है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बने रहे। टेक केयर, बाय बाय।